आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। चलिए रुख करते हैं हमारी पहली खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हलचलें हैं अब वो तेज होती दिखाई दे रही है। दरअसल आजाद समाज पार्टी का श्रीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर सदर सीट से चुनावी मैदान में उतरने का फैसला ले लिया है। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर कहा कि पिछले 5 साल भी लड़ा हूं, अब भी लड़ूंगा। गोरखपुर सदर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने 18 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि अब अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उसे 100 सीटें भी देगी तब भी उसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर अब चुनाव लड़ेगी। वहीं आज चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि अब वो गोरखपुर सदर सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और माना जा रहा है कि अब इस पूरे चुनावी जो समर होने वाला है गोरखपुर का भी बेहद अहम है, क्योंकि अब उनके विपक्ष में सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नितिन, जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहते हैं हलचलें अब तेज होती दिखाई दे रही हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाने वाला गोरखपुर सदर सीट से अब चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अब से थोड़ी देर पहले ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और उस प्रेस विज्ञप्ति में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि चंद्रशेखर आजाद जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के, वो गोरखपुर की सदर सीट से प्रत्याशी होंगे आजाद समाज पार्टी की तरफ से जी। वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है और ये वो सीट है जहां से बीजेपी 1967 के बाद से नहीं हारी है। इसके अलावा राधा मोहन दास अग्रवाल जो बीते 4 बार से मौजूदा विधायक रहे हैं बीजेपी के, वो कंटिन्यू 4 बार जीत कर आए थे, लेकिन कुछ सरकारी योजनाओं की तरफ से और पीडब्ल्यूडी की योजनाओं से वो नाखुश थे अपने क्षेत्र में विकास को लेकर के, और लगातार उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग, पीडब्ल्यूडी मंत्री और मौजूदा सरकार से अपनी नाराजगी जो है वो ट्विटर के जरिए और सड़क के जरिए जताई थी जी। उसके बाद उनका टिकट काट दिया गया और आज उसके बाद उनका टिकट काटने के बाद वहां से बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रत्याशी बनाया और आज पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट कौन प्रत्याशी खड़ा होगा उसका खुलासा हुआ है और आजाद समाज पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर आजाद रावण वहां से प्रत्याशी होंगे। देखिए, जातिगत समीकरण इस सीट पे बहुत अहम है क्योंकि राधा मोहन दास अग्रवाल वहां से 4 बार जीते हैं, वहां पर कायस और अग्रवाल वोट बैंक बहुत मजबूत है। ऐसे में बीजेपी ने वहां पे ठाकुर प्रत्याशी उतारा है, हालांकि गोरखपुर से ही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उसका एक प्लस पॉइंट, एक फायदा उन्हें मिलेगा, लेकिन अगर अग्रवाल वोटर नाराज होगा तो वो भी नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए तो बीते 5 साल उन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए लड़ाई लड़ी है। हाथरस जैसे मुद्दे पर वो मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने जो जिस बच्ची का रेप हुआ था, जिसकी बॉडी जलाई गई थी, कई बॉडी जला दी गई थी, उस बच्ची के शरीर को भी उन्होंने अपनी गोद में उठा करके प्रदर्शन किया था। तो ऐसे को ऐसे देखते हुए जो चंद्रशेखर हैं उन्होंने कई बार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं, दलितों और वंचितों के खिलाफ जो कानून बने हैं उसको देखते हुए, और उनको एक उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन हो जाएगा, लेकिन सीटों पर बात नहीं बनी और उसी को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है कि वो उत्तर प्रदेश की 401 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। 3 मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा है कि ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य अगर चुनाव लड़ेंगे तो मैं इनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारूंगा, बाकी हर जगह से प्रत्याशी उतारूंगा। तो अब उन्होंने खुद को प्रत्याशी घोषित किया है गोरखपुर की सदर सीट से जी। नितिन, जिस तरह से अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो गोरखपुर सदर जो सीट रही है उसमें पिछली भी जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें अगर हम उनकी बात करें, दलित वोटरों की बात करें, तो जो बसपा है वो दलित वोटरों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा केंद्र मानी जाती है और दलित वोट बैंक का फायदा बसपा को भी वहां पर नहीं मिल पाया था। वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखें तो चंद्रशेखर आजाद जो है वो भी कहीं ना कहीं जो दलित वोटर है वो उनका एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में जहां पर बसपा कोई कमाल ना कर पाई हो, चंद्रशेखर वहां पर क्या कमाल कर पाएंगे?
देखिए जिस सीट पर हम लोग बात कर रहे हैं या फिर गोरखपुर की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर जो ठाकुर वोट बैंक है और ओबीसी वोट बैंक है वो सबसे अहम है इस शहर में, इस विधानसभा में या फिर इस जिले में बोला जाए। गोरखपुर पूरा जिला ऐसा है जहाँ पर ठाकुर वोट बैंक बहुत अहम है और ओबीसी वोट बैंक बहुत अहम है। अग्रवाल समाज से आते थे राधा मोहन दास अग्रवाल, चार बार कंटिन्यू जीते हैं बीजेपी के निशान पर और वहां पर अग्रवाल वोट बैंक भी बहुत है। मैं गोरखपुर की सदर सीट पे जहां से वो जीत के आ रहे थे उनको प्रत्याशी नहीं इस बार बीजेपी ने बनाया है तो जाहिर सी बात है वहां जो अग्रवाल वोटर है वो भी नाराज होगा। दलित वोट बैंक वहां पर उतना खासकर असर हमेशा से नहीं रहा है क्योंकि ये वो जिला है जहाँ से बीजेपी लंबे समय से जीतती आई है, उस विधानसभा से जीतती आई है तो जाहिर सी बात है वहां पर किसी और पार्टी का उतना कुछ खासा वजूद नहीं है। तो चंद्रशेखर आजाद अगर वहां से जीतते हैं या टक्कर दे पाते हैं तो वो उसी बुनियाद पे दे पाएंगे जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीते 5 साल में काम किया है, प्रदर्शन किए हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है, उसी बेस पर ही उनको वोट मिलेगा। लेकिन गोरखपुर में जीत जाना ये अभी कहना बहुत सही नहीं होगा और बसपा के मुकाबले, क्योंकि बसपा के साथ तो जो उनका दलित वोट बैंक है, कोर वोटर है, वो हमेशा से रहा है और उसमें जो जो बुजुर्ग हैं दलितों के, दलित समाज से आते हैं जो बुजुर्ग वोटर हैं वो मायावती के साथ रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का जब सपा में विलय हुआ तो राजभर वोट बैंक जैसे उनके साथ गया है, रावण के साथ ऐसा नहीं है, आजाद के साथ ऐसा नहीं है, आजाद के साथ जो उनका यूथ वोटर है खाली वही है, जो बुजुर्ग वोटर है वो उनके साथ नहीं है। बुजुर्ग वोटर अभी भी मायावती के साथ जाता है, जो यूथ वोटर है वो चंद्रशेखर आजाद के साथ जाएगा। अब ये जाता है कितना जाता है गोरखपुर में ये देखना अहम है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के लिए जो चुनाव होने वाला है बेहद अहम होगा और कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर भी अब जो जनता की नजर है वो उन पर रहने वाली है। धन्यवाद नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे थे जहां पर योगी के विरोध में इस वक्त चंद्रशेखर आजाद जो है वो उतर चुके हैं। आपको बता दें कि आज उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि गोरखपुर सदर सीट से चंद्रशेखर आजाद इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर सदर सीट है वो बेहद अब अहम मानी जा रही है और चंद्रशेखर क्या कुछ इस पूरे चुनाव में उनका रणनीति रहने वाली है, किस प्रकार से वो चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, ये भी अपने आप में बेहद अहम होने वाला है। वहीं अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची की लिस्ट आज जारी कर दी है। आपको बता दें कि 70 सीटों वाले उत्तराखंड के एक चरण में मतदान होना है, यहां पर 14 फरवरी को वोटिंग की जाएगी। फिलहाल बीजेपी की पहली लिस्ट में पुष्कर सिंह धामी को सीट जो है वो मिल चुकी है। बात करें अगर उम्मीदवारों की सूची की तो जो धामी हैं उन्हें खटीमा सीट से पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। खटीमा सीट से पुष्कर सिंह धामी 2 बार विधायक रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ने वाले हैं। पहली सीट पर अभी 70 में से 59 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर जो है वो मुहर लग चुकी है और जल्द ही जो बाकी के नाम है उनका वो भी सामने आ जाएंगे। तो बेहद ही अहम माना जा रहा है आज उत्तराखंड में जिस प्रकार से जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी नाम सामने आ रहा है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ शुभम जुड़ चुके हैं। तो शुभम, जिस तरीके से उत्तराखंड में इस वक्त चुनावी माहौल है और ऐसे में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट को भी जारी कर दिया है जिसमें कई दिग्गजों का नाम शामिल बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बताओ जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति थी और जिस तरीके बीजेपी का चाल चल रहा है कि जब हर सिंह रावत के जब निकालने के बाद बीजेपी से तो देखा गया है कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद थी कि किस तरीके से टिकट का बंटवारा हो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ हो गया है कि परिवारवाद बिल्कुल खत्म कर दिया चुका है क्योंकि जिस तरीके से विकास नगर से मुन्ना सिंह चौहान को टिकट दिया गया उसी साथ चक्राता से उनकी धर्मपत्नी मधु चौहान जो तैयारी करी थी उनको टिकट नहीं मिला गया है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि बीजेपी अपनी रणनीतियों पर है, बिल्कुल बीजेपी उसी को टिकट देगी जो बिल्कुल साफ चरित्र का है, जिसकी साफ रणनीति है, जो बिल्कुल मैदान पर खड़ा है तो बीजेपी कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ हो चुकी है और जिस तरीके से आज जो जो है प्रत्याशियों का नाम सामने आया तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ हो चुका है कि जिस तरीके किन सीटों पे कौन लड़ेगा और कहीं ना कहीं बीजेपी आने वाले चुनाव के लिए, आगामी चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है।
जी शुभम, जिस तरह से अगर हम देखें तो एक तरफ जहां बीजेपी लगातार पुष्कर सिंह धामी के कार्यों का बखान कर रही है और कह रही है कि एक कुशल नेतृत्व में जो उत्तराखंड है उसकी सरकार इस वक्त चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जब बीजेपी की लिस्ट जारी होती है तो खटीमा सीट से ही जो पुष्कर सिंह धामी है उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया, जहां से वो पिछली दो बार से ऑलरेडी विधायक है। तो क्या लगता है कि बीजेपी एक सदी हुई राजनीति कर रही है या फिर सेफ साइड खेलने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, आपको बताओ जिस तरीके से जब पहले भी हमसे बात पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री से बात की गई थी कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो उनका बिल्कुल साफ कहना था कि जिस तरीके से वो अपनी धरती से जुड़े हुए हैं, जहां से वो हर साल चुनाव लड़ते हैं उसी से लड़ेंगे। कहीं ना कहीं देखा गया कि उनको कहीं ना कहीं अपनी खटीमा की सीट जो है वो पक्की निर्धारित दिखाई दे रही है कि वो जो चुनाव लड़ेंगे वहां से, तो कहीं ना कहीं उनको वहां के लोगों का प्यार मिलेगा। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि खटीमा से भी कई प्रत्याशी और थे जो बीजेपी से तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब देखा गया पुष्कर सिंह धामी को जो है वहां से खटीमा का उम्मीदवार बनाया गया, तो बहुत दिलचस्प होगा किस तरीके से वहां की रणनीति रहेगी। जी हाँ शुभम, जिस तरह से 59 सीटों पर जो है प्रत्याशियों के नामों का खुलासा हो चुका है, ऐसे में क्या कुछ समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? किस आधार पर प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं? क्या जातीय समीकरण इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है? वहीं महिला जो उम्मीदवार है उनकी सीटों को लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बताओ जिस तरीके से देखा गया कि बीजेपी ने बिल्कुल स्पष्ट और साफ कर दिया था कि जिसका काम बढ़िया रहेगा, जिसने अपने क्षेत्र के लिए काम किया होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। और साथ साथ जब बात की जाए धर्मवाद की या बात की जाए जातिवाद की, तो कहीं ना कहीं जातिवाद और अपने परिवारवाद को खत्म कर दिया है, जिस तरीके देखा गया है कि बीजेपी ने केवल उन्हीं लोगों को टिकट दिया है जिन्होंने मेहनत करी है, जो अव्वल नंबर पे, जिनको कहीं ना कहीं चांस या मौका है कि वो सीट दिखा सकते, उन्हीं को टिकट दिया गया। बाकी जो प्रत्याशी जो अभी पहले अभी मेहनत कर रहे हैं या अभी भी लगे हैं जो बीजेपी के टिकट चाहने की चाह में थे, उनको अभी रोक दिया गया। और अभी भी उम्मीद है कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने ये अपने नाम शामिल किया, उनका कहना है साफ ये वही प्रत्याशी शामिल किए जो पूर्ण रूप से जीतने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम आपका इस जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में इस वक्त विधानसभा चुनावों की तारीखों का जो ऐलान हुआ है उसके बाद से अब बीजेपी जो है वो एक्टिव मोड में दिखाई दी है, और इसी कड़ी में आज बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट भी जारी कर दी गई है जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी नाम सामने आया है। वहीं जहां एक तरफ चुनावी माहौल जारी है, वहीं दूसरी तरफ जो कोरोना वायरस है उसके मामले भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के सबसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें बीते 24 घंटे की, तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 317,532 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 491 लोगों की मौत भी हो गई है। अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9,287 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट जो है अब वो 16.41% हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 19,24,000 हो चुकी है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, जिस तरह से लगातार जो कोरोना की स्थिति है वो बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है, कोरोना का ग्राफ कभी बढ़ता तो कभी घटता दिखाई दे रहा है, वहीं आज कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिली है, 317,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी अनुष्का, आपको बता दें कि विगत 8 महीनों के बाद देश भर में 317,000 मामले आए हैं। वहीं अगर बात करें तो जो टोटल एक्टिव केसों की बात करें तो वो 19 लाख से ऊपर पहुंच गई है। और वहीं अगर बात करें प्रदेश की तो प्रदेश भर में टोटल 1 लाख एक्टिव केस हैं, वहीं 24 घंटे में 17,000 केसे आए हैं। वहीं अगर बात करें तो मनसुख मांडिया की तरफ से कल ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया 48% आबादी को दोनों डोज की वैक्सीन लगा दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव है और नेताओं का जनसंपर्क जारी है, और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो पॉजिटिविटी रेट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और चुनाव तक क्या होता है अब देखना है। अब पूरी तरह से देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन जो गाइडलाइन जारी किया है उसको ये नेतागण माने और कोरोना के रोकथाम में मदद करें। और आपको बता दें कि बच्चों की वैक्सीन की जो बताई गई है तो उसपे भी मनसुख मांडिया जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने बताया है कि लगभग आधे बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई है। 16 तारीख तक समय सीमा रखी गई थी और बच्चों को छुट्टियां की गई थी, मगर अब तक पूरे बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाए गए हैं। और वहीं अगर बूस्टर डोज पे आए तो बूस्टर डोज के अब तक जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं और जो इलेक्शन कमीशन में जो चुनाव की ड्यूटियां कर रहे हैं उनको लगाए जा रहे हैं।
और अगर बात करें ओमिक्रोन की, तो ओमिक्रोन का पूरे देश भर में 9800 कुछ मामले आए हैं और ओमिक्रोन का खतरा वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इससे कोई खास खतरा नहीं, नॉर्मल सर्दी बुखार खांसी ही रहेगी। जी जी विभांशु, जिस तरह से अभी आप बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, लगातार जो बूस्टर डोज है वो भी इस वक्त जो लगाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ चुनाव है, वहीं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो लगातार कोविड अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और वहां पर मौजूद डॉक्टरों से अस्पताल में मौजूद जो व्यवस्थाएं हैं उनकी जानकारी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जो बूस्टर डोज उत्तर प्रदेश में लोगों को लगाई जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई गई है और किस प्रकार से लोगों को बूस्टर डोज देने का काम किया जाएगा? जी अनुष्का, कल योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर के दौरे पे थे, जहां मिम्स अस्पताल में उन्होंने संबोधन में बताया कि देश प्रदेश भर में जब से दूसरे वेव में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की किल्लत से लोग मरे, उसको देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरे तैयारी से खड़ा है कोरोना से लड़ने के लिए। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश भर में योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 550 ऑक्सीजन जो प्लांट है लगाए गए हैं, वहीं लखनऊ में 26 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, गौतम बुद्ध नगर में 11। और वहीं अगर बूस्टर डोज के लगाने की बात करें तो अब तक जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उन्हें लगाया जा रहा है। साथ ही साथ जिन कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव आयोग में चुनाव कराने हेतु लगाई गई, उन्हें लगाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो छोटे बच्चों की वैक्सीन है वो कब तक आती है। वहीं अगर 12 से 14 साल के बच्चों की वैक्सीन की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के तरफ से बताया जा रहा है कि फरवरी लास्ट और आपके मार्च के पहले सप्ताह में 12 से 14 साल के बच्चों की वैक्सीन लग जाएगी। अब देखना ये होगा कि जो 48% आबादी को दोनों डोज की वैक्सीन लगा दी गई है तो पूरी आबादी को दोनों डोज कब तक लगाए जाएंगे। वहीं सब जी बेशक कोरोना के बढ़ते मामले कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और देश के लिए बेहद ही चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में कोरोना के जो बढ़ते हुए मामले हैं उनके कहीं ना कहीं जल्द से जल्द रोकथाम की जरूरत है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विभांशु हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए थे, जो लगातार कोरोना की स्थिति के बारे में हमें जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि कोरोना की रफ्तार देश में बेकाबू हो चुकी है, 3,17,000 से ज्यादा नए मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। वहीं रुक करते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो हरदोई से सामने आ रही है। दरअसल ब्लॉक कोथावा के ग्राम पंचायत नेवादा के माजरा, धरौली और पुरवा में बने गौशाला में ग्राम प्रधान अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं, जिसकी शिकायत कई बार उपजिलाधिकारी और जिलाधिकारी से भी की जा चुकी है। इसके बावजूद भी प्रधान पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं ग्राम सभा के विकास के लिए पैसा भी भेज रहे हैं, वहीं यह पैसा विकास के लिए लगाया नहीं जा रहा है और ग्रामीणों के द्वारा एक गंभीर आरोप हरदोई में प्रधान पर लगा हुआ है, जहां पर प्रधान पर मनमानी करने का आरोप लगा है। जानवरों के विषय में क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? रात को 12 बजे तक बचाता हूँ, फिर भी गोरु चर जाते हैं। यहाँ गौशाला बनाए वो भी सही नहीं बनाए। किसकी सूचना आपको, आपने किसी को दी, अधिकारी को? अधिकारी का सब सूचना चल रही है, खम्भे में गड़ गए हैं, उसमें कोई मरम्मत ही नहीं है। प्रधान आया आपके पास? प्रधान का यहाँ झक्का ही है यार, प्रधान उगते नहीं। प्रधान नहीं आया, वही का नुकसान हो, वही का सरकार देते है, वही का सरकार देते है। तो प्रधान से आप लोग आक्रोशित है हमको लग रहा है? वो तो है ही फिलहाल। के लिए हमारे हरदोई संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वीरेंद्र, हरदोई की जो जनता है वो कहीं ना कहीं अपने ग्राम प्रधान से बेहद नाराज नजर आ रही है, जहां पर ग्राम प्रधानी पर अपनी मनमानी करने के गंभीर आरोप लगे हैं, क्या कुछ जानकारी है? मैम सबसे बड़ी बात यह है, 15 साल हो गए प्रधान को, जबकि लिखित शिकायत ग्रामीणों ने SDM साहब को भी दी है, DM साहब को भी दी है, उसके बावजूद प्रधान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हाल ही में ग्रामीण काफी आवारा मवेशियों से परेशान थे, इन्होंने शिकायत भी की थी, SDM साहब से शिकायत की थी, तो SDM साहब ने संज्ञान में लिया और तुरंत आदेश किया प्रधान को। प्रधान ने टेम्परेरी खाली गौशाला बना दी, जहाँ पे जानवर एकत्रित किए, उसके बाद में दूसरे दिन ही रात को भाग गए। जी
वीरेंद्र के गौशाला की स्थिति का क्या आपने जायजा लिया है? क्या कुछ स्थिति है वहाँ की? क्या जो गौशाला में कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, क्या वो वहाँ मौजूद थे? मैं मौके पर घटना स्थल पर गया था, ग्रामीण भी वहाँ पे मौजूद थे। मैंने ग्रामीणों से पूछा, ग्रामीणों में काफी आक्रोश था प्रधान के खिलाफ, क्योंकि ये जो प्रधान जी है, मौजूदा प्रधान है, 10 साल से प्रधान है, फिर उसके बाद में फिर अभी प्रधान बने हुए हैं, और इन्होंने ग्रामीणों के ऊपर मुकदमा भी लिखा दिया महामारी का हवाला देते हुए। शायद ग्रामीण से हमारी अभी बात हुई तो उन्होंने कहा था हमारे ऊपर कम से कम 20-25 लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट में मुकदमा भी लिखा दिया है। जी वीरेंद्र, जिस तरह से पूरे मामले में आपने ग्राम पंचायत जो है और ये ग्राम प्रधान है, इनकी लापरवाही को उजागर किया है, ऐसे में क्या आपने ग्राम प्रधान से बात करने की कोशिश की? क्या उनका पक्ष जानने की इस पूरे मामले पर कोशिश की? मैम, प्रधान के पास हमने फोन किया, प्रधान ने कभी मेरा फोन नहीं उठाया। उनके जो पूरा प्रतिनिधि प्रधान जी चंद्रशेखर है प्रतिनिधि, उनके पूरा कार्य वही देखते, हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ही बात करने से मना कर दिया। और हालांकि ये भी एक प्रधान जो वहाँ के मौजूदा है, कुछ चारागाह की जमीन है उस पर भी कब्जा इन्होंने किया हुआ। मैंने SDM साहब को उस चीज के बारे में भी अवगत कराया। राजस्व का काफी जो राजस्व विभाग की जमीनें पड़ी थी उस पर पेड़ लगे हुए थे क्लस्टर के, वो भी प्रधान के द्वारा कटवा दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो हरदोई से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर ग्राम पंचायत नेवादा के माजरा धरौली और पुरवा में बने गौशाला में ग्राम प्रधान अपनी मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने लगातार इस पूरे मामले की शिकायत भी दर्ज कराई, बावजूद इसके अभी तक इस मामले पर कोई भी कार्यवाही फिलहाल नहीं हो पाई है। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया के बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।